हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचटीएमएल प्लेलिस्ट। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स नए एट्रीब्यूट्स के साथ आए हैं और आपको बताएंगे कि मल्टीपल एट्रीब्यूट क्या होता है। उसके साथ ही साथ हम बताएंगे कि पैटर्न एट्रीब्यूट क्या होता है और प्लेस होल्डर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रिक्वायर्ड, और फिर इसके बाद स्टेप, ऑटो फोकस, हाइट विड्थ एट्रीब्यूट, ये सब एट्रीब्यूट हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मल्टीपल एट्रीब्यूट आपको बताते हैं। ठीक, तो बना लेते हैं अपना लेक्चर नंबर 45.html। ठीक है, 45.html है और यहाँ पे हम html बनाते हैं। html में क्या करते हैं, बॉडी टैग बना देते हैं। बॉडी टैग में क्या करते हैं, हम सिंपली एक इनपुट फाइल लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइल हम करना बताते हैं कि फाइल कैसे यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको टाइप इक्वल फाइल देना होता है, और इसको मैं एक बार सेव करके दिखाता हूँ कि कैसे हम कर रहे हैं। इंसर्ट फाइल, अब इसको सेव कर दीजिए और आउटपुट चेक करिए। लेक्चर नंबर 45.html है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंसर्ट फाइल, और आप कोई भी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली, 52.png। ठीक है, तो ऐसे आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करें तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको रिफ्रेश यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे करते हैं मल्टीपल। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए क्या होगा, मैंने एक फाइल चूज़ किया। ठीक है, तो एक और फाइल चूज़ कर लेते हैं, एक और फाइल चूज़ कर लिए। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है। आप यहाँ पे ईमेल भी दे सकते हैं और काफ़ी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अब एक और जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या होता है, प्लेस होल्डर ये होता है सपोज़ जैसे कि आपको इनपुट अगर देना हो। ठीक है, यहाँ पे मैं br देता हूँ, br, इसके बाद आप दे रहे हैं लेबल, फिर आप यहाँ पे दे रहे हैं कि इंटर नेम। ठीक है, अब आप जैसे कि इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट देते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, ये आपने दे दिया। अब आप सेव करते हैं। ठीक है, तो सेव करके आप क्या देखेंगे कि आप यहाँ पे कुछ लिख तो पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि पहले से यहाँ पे कुछ हेडिंग टाइप कर दिया। ठीक है, तो लेट अस सपोज यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर यूज़ करता हूँ, प्लेस होल्डर। तो जैसे ही हम प्लेस होल्डर लिखेंगे, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू इंटर हेयर। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और अब एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, पहले से यहाँ पे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, यानी कि ये कुछ टेक्स्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें गाइड कर रहा है कि हाँ यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्लेस होल्डर का यहाँ पे यूज़ देखा, कैसे हम प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए जैसे कि यहाँ पे आपको अभी मैंने प्लेस होल्डर बता दिया। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे यहाँ पे मूव करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, जैसे कि अगला टॉपिक है हमारा जो अगला एट्रीब्यूट है वो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में क्या होता है, जैसे सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास अगर तीन चार यहाँ पे फॉर्म्स हैं। ठीक है, तीन चार इनपुट बॉक्स हैं आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं कि यूज़र सारे इनपुट भरे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि यूज़र अगर उसको सबमिट इसमें फिल ना करे किसी एक पर्टिकुलर में, जैसे कि मैं बताता हूँ, वन सेकेंड, इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यस, तो इसमें क्या होता है, कभी क्या होता है कि यूज़र एक ही एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे br हो गया और फिर यहाँ पे br। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि यूज़र कई बार क्या होता है कि यूज़र
स्किप कर देता है यहाँ पे टाइप करना, ठीक है, यूज़र कभी इसमें करता है और या फिर कोई भी बॉक्स अगर स्किप कर देता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसे बताएं कि नहीं ये रिक्वायर्ड है, आपको इसे फिल करना ही करना है, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे रिक्वायर्ड बॉक्स लिख देंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप सेव करेंगे और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप इसको अगर स्किप छोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इसको स्किप करते हैं तो देखिए क्या होगा, इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, ठीक है। अब जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो ये आपको बोलेगा, जैसे कि मैं पहला छोड़ देता हूँ, ठीक है, हम इसको सबमिट करता हूँ, तो आप इसके बिना यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने इंटर नहीं किया। अब यहाँ पे अगर आप फिलअप कर देंगे तो आप देखेंगे कि सबमिट हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे बिना इसको फिल किए जिस बॉक्स में रिक्वायर्ड लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स, और बाकी हम एटीट्यूड्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।